So now we are in Mud Island. So let's explore this. आगे जाओ। सूखा कोलंबी। सो यू कैन सी हियर दिस इज सूखा कोलंबी विच इज बींग सूखा इन एयर एंड नाउ आई विल शो यू क्रैब्स। आई थिंक दिस इज नॉट लाइव। कैन यू होल्ड इट स्वप्निल? यस आई कैन होल्ड इट। ओके दिस इज नॉट लाइव। ओके मर गया बेचारा। ओके दिस इज नॉट लाइव। आई कैन भी आ गई। सो माथे में गांड खतरी हो गई। अबे मरे लाई है क्या? नो आई कांट होल्ड दिस बिकॉज आई एम टू सॉफ्ट हार्टेड। तो आप नॉर्मली देख सकते हो ये मच्छी है, इसे सुखाया जा रहा है। देखा जाए कि मुंबई में ज़्यादातर गीला करके ही खाते हैं, पर ऐसा भी है कि कुछ लोग सूखा करके भी खाते, तो इसे सुखाया जा रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टूअर्ड अरेबियन सी। हम अरेबियन सी के नज़दीक जा रहे हैं। आप यहाँ की मिट्टी देख सकते हो, अभी काफ़ी सूखी है क्योंकि अभी बारिश हुई नहीं है। बारिश होने के बाद यहाँ की मिट्टी काफ़ी गीली हो जाती है, तो आपको हम टच करके बताते हैं। तो आप देख सकते हो मिट्टी काफ़ी सूखी है यहाँ की, और नमी भी नहीं है मिट्टी में, मतलब गर्मी का सीज़न चालू है। यार मैं सरवाइव कर सकता हूँ ना? आई कैन नहीं कर सकता। आगे जाएंगे वैसे वैसे मिट्टी गीली होती जाएगी क्योंकि समुद्र का तट नज़दीक आते जाता है। तो देखते हैं। सो बेसिकली यू कैन प्ले देयर बीच वॉलीबॉल। यहाँ के जो बंदे लोग यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं रात के समय, और वहाँ पे आप देख रहे हो लटकी हुई मच्छी सूखी करने के लिए लगाई हुई है। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो दिस इज सूखा बोमबिल, बट नाउ दिस इज गीला, लिटिल बिट गीला। नाउ यू कैन शो हिज फेस एंड माय आल्सो फेस। नाउ दिस इज लिटिल मच गीला। नाउ आई विल शो यू सूखा बोमबिल, सो कम विथ मी। नाउ दिस इज सूखा बोमबिल। एज यू कैन सी दिस इज वेरी मच सूखा। मारिस्टन्स लव टू ईट, आई डोंट लव दिस स्मेल, स्पेशली कोली पीपल्स, आई डोंट लव दिस स्मेल। लेट्स गो फॉरवर्ड। कौवा तो अभी खाएगा क्या? नाउ दिस इज धोमा मच्छी। यू कैन सी दिस इज प्लेस्ड हियर फॉर ड्राइंग। ये सूखने के लिए रखा गया है यहाँ पे। इसके ऊपर नमक डाला गया है। नमक इसलिए डाला गया है क्योंकि ये जल्दी सूखे और इसके ऊपर जो कीटाणु है वो मर जाए। तो देखते हैं और कौन कौन सी मच्छी है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। डेड फिश, मरी हुई मच्छी। ये थोड़ी पिराना जैसी लग रही है मेरी, मेरे को डर लग रहा है, नहीं जाने दें। स्टेशन मड आइलैंड। मड आइलैंड का एयरफोर्स स्टेशन है ये। अगर आप ध्यान
से देखे तो उधर वो बोट दिखती होगी, वो बोट पे इंडिया का झंडा लगा है, मे भी वो लोग सेफ गार्ड होंगे। और वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत इंडियन आर्मी लिखा है बोट पे, तो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं यहाँ का, तो आप देख सकते हो। सो यू कैन बेसिकली सी देयर दैट वन इज मंदिर, और वहाँ पे आप देख सकते हो फोर्ट है वो, तो आप जैसे कि देख सकते हो वो मड किला है जो कि पोर्चुगीज ने बनाया था, और बाद में मराठा एम्पायर ने आके पोर्चुगीज पर कब्जा करके यहाँ अपना अम्पायर किला कब्जा किया था। ये अराउंड 1973 की बात है। इसको वर्सोवा फोर्ट भी बोला जाता है, अब ये पता नहीं वर्सोवा फोर्ट क्यों बोला जाता है। और मड फोर्ट नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि मड आइलैंड करके नाम फेमस था, इसलिए इसका नाम मड किला रखा गया था। अब आपको मैं पीछे की तरफ दिखाता हूँ। Hey guys, what's up everybody? This is your boy Rahul Rajkumar Gupta, आपका चहिता विद तो अपने लिंग ले। तो बेसिकली आज हम लोग मड आइलैंड आए हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया वो मड फोर्ट है, वहाँ पे टेम्पल है, ये पूरा इलाका जो है मड आइलैंड है। तो आप अगर ध्यान से पूरी तरफ घुमा के देखिए तो ये जगह फेमस है अपने मच्छियों के लिए। और वहाँ पे आप देख सकते हो वो बोट है जहाँ पे इंजन फ्लैग लगी हुई है, मे बी वो डिफेंस के लोग हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ, वो पोर्ट पे आपको जाने के लिए रास्ता नहीं है क्योंकि आगे एयरपोर्ट वालों ने पाबंदी लगाई है। और आप देख सकते हो बाकी सब इलाका ध्यान से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ समंदर के साथ कबड्डी खेलना। तो तो मैं अभी एक ऐसा चीज करने जा रहा हूँ जो शायद ही आप कर सकते हो, मेरे को तो लगता है आप लाइफ टाइम कभी नहीं करना चाहोगे। मैं ये पानी पेश करने वाला हूँ, फिर देखते कैसा है। ये पानी बहुत सॉल्टी है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आपको ज़्यादातर मालूम है, इधर देखा आपको ज़्यादातर मालूम है सी वाटर में मच्छी पाई जाती है, इसलिए ये पानी सॉल्टी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर मच्छियाँ पाई जाती है, और इसलिए यहाँ पे मछुआरे आते हैं मच्छी करने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरा फोर्ट पीछे के साइड से, तो चलो दिखा दो। Below it.